दोस्तों ये है 2024 मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 J1 सीरीज के साथ E20 मॉडल के साथ ये बाइक आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये E20 वाली बाइक है। और उसके बाद ये 2024 मॉडल है, इसमें क्या क्या नया फीचर अब आया है आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैप मिलता है स्टील में, और स्टील ही क्या यहाँ पर कवर दिया गया है सर्कल में लाइट, 55x60 वाट का आपको हेलोजन बल्ब, आर का लोगो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है इसकी हेडलाइट, और इंडिकेटर आपको चारों बल्ब वाले मिल जाते हैं। और स्टाइल आप देख सकते हो, लुक इस तरह से आपको मिलता है। इस पर आपको रॉयल एनफील्ड भी लिखा मिल जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा सामने का इस तरह से डिजाइन, दो पायलर लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है इस तरह से। और उसके बाद ये आपका पूरा मडगार्ड आपका मेटल का लोहे का है, ये भी पूरा लोहा लाट गाड़ी है। ये एल्युमिनियम का आपका रहेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से रिफ्लेक्टर। और डुअल चैनल ABS के साथ आपको मिल जाती है गाड़ी, ये सिंगल आपको ABS सामने भी मिलेगा और पीछे भी मिलेगा। सीएट का टायर है, 190x19 इंच की अलॉय व्हील दी गई है, अलॉय व्हील वाली गाड़ी है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लुक, इसके अंदर टाइपिंग भी ब्लू कलर की दी गई है। ये इस तरह से आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं आप। तो मडगार्ड भी काफ़ी लंबा चौड़ा मिल जाएगा। और उसके बाद अब इस गाड़ी में आप देख सकते हैं ये गन मेटल ग्रे कलर है, यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड का ज़बरदस्त स्टिकर मिलता है, बहुत ही प्यारा 3D वाला। यहाँ पे आपको मिलेगा टैंक पैड, 13 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है। आप उसके बाद इस साइड पर भी टैंक पैड आपको मिल जाएगा, और सेम लोगो इधर भी रॉयल इनफील्ड का मिलेगा। ये है इसका फ्यूल टैंक का कैप, और उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल अप टू E20 लिखा भी मिलेगा, तो 13 लीटर में फुल हो जाएगी ये गाड़ी। अब उसके बाद इस गाड़ी में आपको यहाँ पर इस तरह से गाड़ी बंद कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होगी। ये हैजर्ड बटन है, इसको इस तरह से ऑन कर देंगे, चारों इंडिकेटर जलने लगेगा। ये रहा इसका हैंडल बार, क्लच और ब्रेक लीवर एल्युमिनियम का है, हाई लो बीम लाइट है ऊपर नीचे करने वाली। यहाँ पर एक बटन दी गई है, इसको दबाएँगे तो यहाँ पर घड़ी, TRIP 1, TRIP F, TRIP 2 ये सब कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका चाबी लगेगा, और यहीं से हैंडल भी लॉक हो जाएगा, ऑन ऑफ भी यहीं से हो जाएगा इग्निशन। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिखा मिलेगा, सेमी कंसोल, 160 की टॉप स्पीड। और यहाँ पर ये पूरा क्रोम फिनिशिंग दिया गया है, ये पूरा लुक इस तरह से आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद दोस्तों इस बाइक का जो इंजन है वो इंजन आपको मिल जाता है J1 सीरीज़ का, एयर एंड आयल कूल इंजन, सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन मिलता है, 5 गियर मिलता है, 20.2 BHP पावर, 2100 और 27 Nm टार्क, 4000 आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, 35 से 40 का माइलेज मिल जाता है, 5 गियर ओनली, सेल्फ स्टार्ट यानी कि स्टार्टर अब इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। ये रहा इसका चाबी, चेसी आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, सिंगल हारन आपको मिल जाएगा इस तरह से, चेसी देखोगे तो अब डबल मिलेगा, पहले सिंगल ही आता था। तो ये रहा इसका ब्रेक जो है फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट, और साइड स्टैंड मेन स्टैंड इस तरह से फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट ये भी रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कवर, और यहाँ पर क्लासिक 350 लिखा मिलेगा, एक कलर देख सकते हैं। यहाँ पर होल्डर दिया गया है, कोई भी चीज़ टांग सकते हैं, मेरी गाड़ी में भी लगा है ये, हम आराम से मार्केट जाते हैं कहीं भी टांग लेते हैं कोई भी चीज़। यहाँ पर सारी गार्ड भी काफ़ी बढ़िया दिया गया है लेडीज़ के बैठने के लिए, 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक साकर, और यहाँ पर सिंगल चैन कवर आपको मिलेगा। और ये रही सीट, जो कि स्प्लिट सीट अलग अलग में बढ़िया सीट है, और भाई सीट नंबर एक ही है। मैं चाहें जितना लंबा सफ़र आप करो इस गाड़ी को बैठ कर, इस पर आराम से आप सफ़र कर सकते हैं, थकान नहीं लगता है। इस साइड से भी आप इंजन देख सकते हैं, इस तरह से इंजन आपको मिलेगा। ये है इसका ब्रेक लीवर फुटरेस्ट आप देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक का आयल है, और ये रहा इंजन पूरा, यहाँ पर भी कवर दिया गया है। साइड का जो पैनल है यहाँ पर क्लासिक 350 लिखा मिल जाएगा, स्टिकर ग्राफिक देख सकते हैं, 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक साकर ये भी है, डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको पीछे मिलेगा ABS के साथ, सीएट का टायर है। और उसके बाद यहाँ पर जो टायर पीछे दिया गया है वो है 120/80 18 इंच का अलॉय व्हील है, और टाइपिंग साइलेंसर देख सकते हैं पूरा बंड पाइप के साथ, वहाँ से इस तरह से ये पूरा साइलेंसर आपको मिलेगा। आवाज़ भाई अब इस गाड़ी में कम कर दिया है। और ये रहा इसका ग्रेबरिल, इस तरह से मिल जाएगा पीछे आपको रॉयल इनफील्ड। ये रहा इसका तेल लाइट, और ये पूरा फेंडर पीछे का इस तरह से रहेगा, तेल लाइट आपको मिल जाती है बल्ब वाली, इंडिकेटर भी यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगा, पूरी गाड़ी इस तरह से आपको मिल जाएगी दिखती हुई देख सकते हैं आप। अब इस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,65,000। वीडियो पसंद आई तो फॉलो करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट एसएस सीरीज़ के साथ प्राइस बता रहा हूँ आपको।